कहते हैं आपको किसी पे भी इतना ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सबसे नज़दीक वाले लोग ही आपका भरोसा तोड़ते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ भी उनसे मिलता है जिन पे आप आँख बंद के भरोसा करते हो और उन पे अपनी सारी दुनिया लुटा देते हो। ऐसे ही हुआ था हमारे ड्रामे के फीमेल लीड जिसका नाम प्रे है। एक झटके में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दिया, और जिसको अपना हमसफर मान बैठी थी उसको खो दिया। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। अब उसके पास खोने लिए कुछ भी बचा नहीं था, इसीलिए वो अब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन बन के वापस आती है और उन सब से अपने सवाल का जवाब लेने, जिन लोगों ने उसके लाइफ को नरक बना के रख दिया था, और सब से अब एक एक चीज़ का बदला लेने के लिए वापस आ जाती है, क्योंकि अब प्रे के पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। ड्रामे का नाम है Nobody is happy if I am not, और ये एक नया थाई ड्रामा है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ड्रामे की फीमेल लीड प्रे, वो स्विमिंग पूल पे होती है, वो उसमें जंप लगाती है। जैसे ही वो पानी के अंदर चली जाती है तो उसे कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे जहाँ पर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। उसने बहुत देर सारा पिल्स खा के रखा हुआ था, वो हॉस्पिटल पे थी और कोई उसे बुली कर रहा था जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना था, और वो पानी से बाहर आती है। और उसके बाद अब प्रे को दिखाया जाता है, वो इंग्लैंड में थी और वो अब थाईलैंड के लिए वापस निकलती है। थाईलैंड में आने के बाद वो एक घर पर आती है जहाँ पर उसकी बचपन की यादें होती है, यानी कि उसके पापा, उसकी बहन और वो सब वाले मोमेंट्स याद करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक कार जो कवर करके रखा हुआ था उसको ओपन करती है, और इसको देखने के बाद उसे एक और फ्लैशबैक आ रहा था जहाँ पर ड्रामे का सेकंड मेन लीड जिसका नाम नोप है उसके साथ वो थी, और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हम फ्लैशबैक से देख सकते थे। और हमें अब दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट में, जब प्रे इधर उधर देख रही थी तो वहाँ पर आंट के आती है, और के उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद वो उसे बोलते कि तुम कब आई, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली प्रे थाईलैंड वापस आ गई है। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है माई एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है कार में, जब वहाँ पर प्रे आती है और दोनों को डांटने लगती है, तब हमें पता चलता है ये माई प्रे की बहन है। लेकिन माई बिल्कुल भी अपनी बहन को देख कर खुश नहीं थी, और वो उसे बोल रही थी कि तुम भले ही मेरी बहन हो लेकिन तुम्हें कोई नहीं बनता मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का, क्योंकि तुम्हारा मेरा रिश्ता है बस इतना है कि हम एक ही माँ के पेट से बाहर आए हैं, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। और प्रे उसे समझाने की ट्राई कर रही थी प्रे और आंट के, तभी माई बोलती कि इसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, इसकी एक गलती की वजह से हमने अपना पूरा प्रॉपर्टी खो दिया और मेरी लाइफ रास्ते पर आ गई है। तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, एक बार तो तुमने मेरी पूरी लाइफ को तबाह कर दिया, लेकिन दोबारा मैं ये सब करने नहीं देंगी, और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एडल्ट हो चुकी हूँ। तुमने अपनी लाइफ को बिगाड़ा है, तुमने हमारी पूरी लाइफ को जानू बना दिया है, अब फिर भी वापस आके तुम हमारी लाइफ को कबाड़ा करने के लिए आई हो, जाओ ना इंग्लैंड वापस, बोलती है और रूम में चली जाती है। तभी प्रे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और तभी उसकी आंटी उसे समझाती है कि वो तो अभी नशे में है इसीलिए वो ये सब बोल रही है, टेंशन मत लो। तभी प्रे बोलती कि वो गलत क्या बोल रहे हैं, मेरी वजह से तो ये सब हुआ है ना, आप सबकी लाइफ तबाह हो गई, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे समझ में आ नहीं रहा उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मेरी गलती की वजह से मैंने उस पर भरोसा किया और मैंने उस घर को बेच दिया था और ये सब हमें भुगतना पड़ा, ऐसा वो बोल रही थी। और प्रे बोलती कि 14 साल हो चुका है लेकिन मेरे लिए हर रात एक बुरे सदमे की तरह है, मुझे वो बातें याद आती है तो मुझे लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। और तभी आंटी बोल रही थी कि देखो हमने उनसे कोई भी वास्ता रखना छोड़ दिया है, हमें पता भी नहीं वो लोग क्या करते हैं क्योंकि हम ना उनके रास्ते में नहीं आ सकते, अगर हो सकता है तो तुम भी ये करो कि उनके रास्ते में आने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, वो लोग बहुत खतरनाक है प्रे, तुमने ऑलरेडी अपनी लाइफ को एक बार ऑलमोस्ट खो ही दिया था और तुम नई शुरुआत करके आई हो, तो प्लीज़ इट्स बेटर कि तुम उन लोगों के आसपास मत जाओ, वो बहुत डरावने हैं, ऐसा वो बोल रही होती है। तभी प्रे बोलते हैं कि पर मुझे सच जानना है, उन लोगों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मुझे वो जानना है और मुझे मेरे सवाल का आंसर चाहिए, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा था उन लोगों के साथ। और उसके बाद वो बोल रही थी कि मैं इन सब चीज़ों को ऐसे जाने नहीं दे सकती, उस वक्त मैं कमज़ोर थी, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ वापस चाहिए, मेरे सवाल का जवाब चाहिए, ऐसा वो बोल रही थी।
रात को दिखाया जाता है प्रे सोने की ट्राई कर रही होती है, तभी वो याद कर रही थी फ्लैशबैक जहाँ पर नॉप उसके साथ था और उसे गले लगाकर रो रही थी। शायद उसके पापा के मर जाने की बात होगा उसके पेरेंट्स के, और नॉप उसे बोल रहा था कि तुम मेरे कहने पे तुम्हारा घर सेल करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस जो नॉप था उसे प्रे ने अपने पापा की मौत के बाद अपने सारे प्रॉपर्टी का, वो होता है ना कि मतलब जो सब कुछ कर सकता है वो बना दिया था, और उन लोगों ने एक अपने घर को बेच दिया था नॉप के कहने पर। और उस बंदी ने जिसने भी घर खरीदा था उसने बोला हुआ था कि ये घर बहुत महंगे में जा रहा है, तुम्हारी और तुम्हारी बहन का फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नेक्स्ट दिखाया जाता है जो प्रे थी अपने घर पे चली जाती है, यानी कि जो उसका पुराना घर हुआ था होता करता था। और यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है उसके आंटी यानी कि जिसका नाम प्रेम है और ड्रामे की सेकेंड फीमेल लीड बोल सकते हैं, वो और नॉब वो उसका घर है। और ये सब सुनने के बाद वो शॉक में आ जाती है, और उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि नॉब की मौत 4 साल पहले हो चुकी है और उसका बस अभी एक बेटा है, और नॉब का भाई भी यहाँ पर नहीं रहता, वो इंग्लैंड पर ही है, ऐसा वो बोल रही थी एक बंदी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर चली जाती है, अंदर चले जाने के बाद वो फोटोज़ को देख रही थी और वो वक्त याद कर रही थी जिस टाइम पर इन सारी जगह पर उसके पेरेंट्स के फ़ोटो हुआ करते थे, उसके फैमिली के यादें हुआ करती थी। और वो फ्लैशबैक टाइम याद करती है जहाँ पर नॉप और उसके अच्छे अच्छे फोटोज़ थे साथ में, और इससे हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। और दोनों का फोटो देखकर स्माइल कर रही थी तभी वहाँ पर प्रैंग आती है, और प्रैंग को देखने के बाद वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रैंग बोलती है मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, और वो अपनी बेटी को लेकर आती है और वो बोलते कि ये मेरा बेटा है। प्रैंग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने शादी कर लिया और बताया नहीं। और वो पूछते कि इसका पापा को नहीं मतलब आपने किससे शादी की, तभी उसकी आंटी बोलते कि नॉब से। ये सुनने के बाद वो शॉक में आ जाती है और बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वो बोल रही थी कि हम दोनों ने 4 साल पहले शादी कर लिया था और हमारा बेटा 4 साल का है। और तभी जो प्रे है वो बोल रही थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब झूठ है ना, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी वो बोलते कि वो तो तुम डेस्परेट थी ना अपने टीनेज टाइम में, मुझे लगा तुम सुधर जाओगी, बाद में मैंने सोचा तुम जब भुगतोगी ना तब तुम्हें सबक मिलेगा, और मैंने तो ऐसे ही फ्लो में जाने दिया क्योंकि मैं अपने पति को रोक नहीं पाई। और वो बोल रही थी कि तुम जैसी लड़की जो दूसरे के हस्बैंड पर नज़र रखती हो वो अच्छी कैसे हो सकती है, बोल के उसे बहुत ज़्यादा बुरा बुरा कहने लग जाती है। और उसे बोलती है कि अच्छा होता कि तुम मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी ना होती। और उसके बाद वो बोलती है कि मैंने ये सब तुम्हें अभी इसलिए बताया ताकि तुम इससे बड़ी गलती ना कर सको, ऐसा वो बोलती है। बेचारी हमारी प्रे वो तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, रूम में जाती है और उसके बाद वो पिल्स ले लेती है और वो ही बाथ टब पे पूरा पानी भर के डूब जाती है। नॉब आके उसे बचा लेता है, हॉस्पिटल पे ले जाता है। जैसे ही प्रे फिर से आँख खोलती है तो प्रैंग उसके सामने थी और उसके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही थी, और वो उसे बोल रही थी कि ये सब तुमने सिंपैथी पाने के लिए किया है ना, उसका अटेंशन पाने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के अटेंशन पाने के लिए इतना कुछ कर रही हो, बोल रही थी। प्रे उसे बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे दूर रह रहा है और मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, तुम बहुत गंदी हो, तुम दूसरों को मिस्ट्रेस हो, तुम अपनी बॉडी को सेल करती हो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, आप खुद से बड़ी उम्र के लड़कों के लिए, ऐसा वो बोल के उसे ब्लेम कर रही थी। और तभी वहाँ पर नॉब आता है और नॉब प्रैंक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया इसके साथ जिसकी वजह से ये सब कर रही है ये। तभी प्रैंक बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम खुद ही पूछ लो ना, मेरी वजह से नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसे धोखा दिया है, तुमने इसे बेवकूफ़ बनाया इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रही है, बोल रही होती है। और नॉब अभी हमारी प्रे से बात करने की ट्राई कर रहा था लेकिन वो उसे वहाँ से भगा रही थी, बोल रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी प्रे थी वो उस घर में थी, तो एक और कैरेक्टर आता है जो था नॉब का बेटा, और वो उसे पूछता है कि आप तो प्रे हो ना, और वो उसे जानता था और वो पूछता है कि मेरे पापा कैसे थे, आप तो उनसे मिल चुके होंगे, क्योंकि अभी इसके बातों से हमें पता चलता है कि प्रैंक कभी भी अपने पति के बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी। और वो उसे पूछ रही थी कि मेरा पापा कैसे थे, मेरे पापा की आदतें कैसी थी, और जो प्रे थी वो कुछ चीज़ें उसे बताने लगती है। और हमें फिर से एक और टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी प्रे बहुत ज़्यादा डरावनी बनी हुई थी, उसने अपने बालों को काट दिया था, गले से नस काट लिया था, लकीली बच जाती है और वो किसी से मिलने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी यहाँ पर ड्रामे का मेन डेट फी होता है, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा मान रहा था। फी था नॉब का छोटा भाई। और अभी हमें दिखाया जाता है प्रे इंग्लैंड जाने के लिए रेडी हो रही थी, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर रहे या फिर यहाँ पर कुछ भी हो, उसने डिसाइड कर लिया था वो अब इन लोगों से दूर जाएगी। और
नॉब को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था और रो रहा था, और फी उसे बोल रहा था कि अब तो तुम खुश हो ना, तुमने उसकी पूरी लाइफ तबाह कर दी। तभी जो फी था उसे नॉब बोलता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं किसी और से ये बात नहीं कर सकता। फी बोलता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो। तभी नॉब बोलता है कि अगर प्रैंक को पता चलेगा तो वो अभी प्रे का जीवन जीना और ज़्यादा हराम करेगी, और मैं नहीं चाहता कि प्रे के साथ इससे और भी कुछ बुरा हो। वो इंग्लैंड जाने वाली है और तुम तो वहीं पर पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो प्लीज़ उसकी मदद करना जितना हो सके, इतना उसने बोला हुआ था। उसके बाद जब तक हमारी प्रे नॉर्मल नहीं हुई और उसने अपना पूरा कोर्स कम्प्लीट नहीं किया इंग्लैंड में, उसने हर वक्त उसकी मदद की थी लेकिन छुप छुप के, ताकि प्रे मदद लेने से मना ना करे। ये सारी चीज़ें हमारा जो था वो याद कर रहा था, और इस तरह से ड्रामे का मेन लीड को दिखाया जाता है। और हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो प्रैंग थी, प्रैंग यानी कि प्रे की आंटी, वो बहुत एक्सपर्ट बन चुकी थी, एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रुतबा था मार्केट में, और वो फी का वेट कर रही थी। फी जैसे वापस आता है तो वो इंग्लैंड से आज ही वापस आया था, वो फी को कुछ काम बताती है और उसके बाद वो उसे बहुत अच्छे से बात करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन फी के हरकतों से लग नहीं रहा था कि वो प्रियंक को पसंद भी करता होगा, मतलब वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और हमें फिर से दिखाया जाता है प्रे को, प्रे एक फंक्शन में आई हुई होती है जहाँ पर वो हमारी प्रियंक का ही फंक्शन था, और वो देखती है कि जो बंदी उसके घर को खरीदने के लिए आई थी सालों पहले, यानी कि प्रे के घर को, और वो तो यहाँ की मैनेजर थी, यानी कि ये सब नॉप और प्रैंक का एक प्लान था। और उसके बाद प्रेजेंटेशन में जाती है प्रे, जहाँ पर वो देखती है कि उसके पापा का जो आइडिया था, बिजनेस वाला आइडिया, वो सब कुछ प्रैंक प्रेजेंट कर रही थी और बहुत ज़्यादा वाई बटोर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी प्रे, वो बहुत ज़्यादा में थी और वो एक फ्लैश बैक याद कर रही थी जहाँ पर सब कुछ उसने सेल कर दिया नॉब के कहने पे। तो उसने अपनी आंटी को पूछा था कि इस प्रॉपर्टी का रेट कितना होगा अगर मार्केट भी अभी रिसेंटली बेचा जाए तो, उन्होंने बताया था 100 मिलियन। तो वो पूछती है कि अंकल और आंटी ने मुझे बेवकूफ़ बना के बस 29 मिलियन में क्यों खरीदा है सब कुछ, मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाया, वो सब बोले होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो हमारी प्रे थी, वो प्रैंक के पोस्टर को बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लिखती है, प्रैंक को इसके बारे में पता चलता है, वो बाहर आके उसको जला देती है।